साइबर अपराध के बारे में 3 कियोस्क जो चंडीगढ़ में लगाए गए हैं, जो पहला चरण है, आगे उसी आवश्यकता के अनुसार अगर हम नागरिक जो हैं उनके फीडबैक के आधार पर हमारी सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके, जो है वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी रहता है, समावेश केंद्र में नागरिकों की भागीदारी बहुत ज्यादा है, उनको उनके द्वारा जगह जगह कॉलोनीज में, नागरिक समूह में, जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उन की गई है, साइबर फ्रॉड हो चाहे जिस तरह से काफी अच्छी शुरुआत है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार साइबर फ्रॉड के जो दायरे हैं वो लगातार बढ़े। देखिए, एक छोटा सा कदम चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा लिया गया है कि जिसमें प्रयास ये किया गया है कि पुलिस सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल, अकाउंटेबल बनाया जा सके और साथ के साथ जो है सुलभता से प्रोवाइड की जा सके। साइबर अपराध के बारे में 3 कियोस्क जो चंडीगढ़ में लगाए गए हैं, जो पहला चरण है, आगे उसी आवश्यकता के अनुसार अगर आवश्यकता हुई तो और ज्यादा संख्या में लगाए जाएंगे कि साइबर अपराध की सूचना समय पर दी जा सके, जो सूचना है उसके बारे में जागरूकता ज्यादा बढ़ाई जा सके, साथ के साथ थानों में और ट्रैफिक सेवाएं हैं और बाकी जो चंडीगढ़ पुलिस की इकाई है वहां पर भी QR बेस्ड जो सिटीजन रिव्यू सिस्टम जो शुरू किया जाएगा कि जिसमें हम नागरिक जो हैं उनके फीडबैक के आधार पर हमारी सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके और जिसमें आवश्यकता पड़े वहां पर सुधार भी किया जा सके। सर, इसके साथ साथ अगर हम साइबर फ्रॉड की बात करें, जो डिजिटल अरेस्ट या इन्वेस्टमेंट के नाम पे कई इस तरह के मामले सामने, हालांकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस और भी किस तरह से कदम उठा रही है कि चाहे यूथ को या फिर खासतौर पे जो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं जिनके साथ लाखों करोड़ों की ठगी होती है, उनको किस तरह से जो है चंडीगढ़ पुलिस अवेयर कर रही है? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस का निरंतर प्रयास जो है वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी रहता है, समावेश केंद्र में नागरिकों की भागीदारी बहुत ज्यादा है, वहाँ पर प्रयास किया जाता है कि साइबर अपराध के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो जागरूकता का प्रसार किया जा सके, और कियोस्क स्थापित किए गए हैं कि जिससे जो एक्सेसिबल है, जो सूचना है साइबर अपराध के बारे में वो हर एक जगह सुलभ हो सके, और हमारे यहाँ जो है सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी है, जिसमें हमेशा हम मूल्यांकन करते रहते हैं कि कहाँ किस तरह के अपराध चल रहे हैं, उनके बारे में स्ट्रेटजी जो है, जो कंसर्न जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं और बाकी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो लोग मूल्यांकन करके, अपना विश्लेषण करके अपनी जो है स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं। जागरूकता के तौर पर निरंतर प्रयास चलता रहता है स्कूलों में, कॉलेजों में, साइबर जो इंटर्न्स हैं उनको, उनके द्वारा जगह जगह कॉलोनीज में, नागरिक समूह में, जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उन सभी से निरंतर एक सेतु के तौर पर वो लोग काम करते हैं कि उनको सचेत किया जा सके।